गुड इवनिंग बच्चों, आपके दो चैप्टर्स खत्म हो गए। डायलॉग सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद सॉलिड स्टेट आपका कंप्लीट हो चुका है ना। तो आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के बाद एक फिजिकल का चैप्टर और बनता है आपके यहाँ 11th स्टैंडर्ड में, जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स के बाद जो है हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो मान के चलिए मोटा मोटा हिसाब अगर हम बात करें तो इसमें करीब करीब 25 लेक्चर्स लगेंगे और 25 लेक्चर्स में हर तरीके का सवाल आपके, चाहे मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे नीट का हो, चाहे एम्स का हो, सभी लग जाएगा, है ना। काफी प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करूंगा, तो मान के चलिए नोट्स में कम से कम 250 सवाल मैं डिस्कस करूंगा और बाकी आपके मॉड्यूल वगैरह में रहेंगे। जो क्वेश्चन नोट्स में डिस्कस करूंगा उसके अलावा मॉड्यूल्स में रहेंगे, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास बढ़िया रहे। ठीक है, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये आपका, है ना। इसको बहुत ही धीरे धीरे समझने की जरूरत है। अगर आपको ये समझ में आ गया, इसके कंसेप्ट ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे आपको समझना है इसको, और जितनी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो टिपिकल चैप्टर नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है। बस 3-4 फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले पर ही पूरा चैप्टर पूरा सेंटराइज रहेगा, ज्यादा 5-6 फॉर्मूला पूरे के पूरे चैप्टर्स में। ठीक है, तो इसके बेसिक चीजों को जानना आपको बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों को जहां से आप क्वेश्चंस गलत करते हो तो उसको मैं जरूर क्लियर कराऊंगा, वो मेन हमारा टारगेट होगा कि जहां से क्वेश्चंस आता है और आप गलत कराते हो। ठीक है ना, तो मेरा मेन टारगेट होगा। तो पहले भाई केमिकल काइनेटिक्स बला क्या है, क्या क्या जरूरत है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं और उसकी मैकेनिज्म, रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है, जिसको हम ऑर्गेनिक में डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये रिएक्शन हो गया, ये बन गया, ये बन गया, ये मैकेनिज्म। तो फिजिकल केमिस्ट्री में, जो फिजिकल केमिस्ट्री में ये बताया जाता है कि जो रिएक्टेंट है आपस में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो इसको हम लोग इसको डील करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो एक लाइन जरूर लिखो, इन केमिकल काइनेटिक्स वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बार बार नहीं लिखेंगे, आर ओ आर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ब्रैकेट में लिखो आर ओ आर, है ना, बड़ा सा है, कई कई बार लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा आपको, है ना। बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और वहां पर आर ओ आर नहीं लिखेंगे। ये मैं कंपटीशन का टेक्निकल फंडा बता रहा हूँ, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, कहां तक लिखते फिरोगे बार बार। तो आर ओ आर, जब भी आर ओ आर लिखेंगे, है ना, तो आप समझ जाएंगे कि हम जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से इस चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखवाएंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बड़ा लंबा हो गया, शॉर्टकट में हम एफ ओ आर लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर में एस ओ आर लिखेंगे, सोर लिखेंगे, है ना, एफ फोर लिखेंगे, फोर किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सोर किसके लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो इसी तरह टोर लिखेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो इस तरीके से शॉर्टकट में वर्ड यूज करेंगे, बड़े कैपिटल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि लिखो, इन केमिकल काइनेटिक्स वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखो आर ओ आर, कॉमा देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखना है, उसकी जगह आपने क्या लिखना, आर ओ आर लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कॉमा, रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो पहला टाइप तो मैं लिखूंगा सिंपल रिएक्शन, पहला तो मैं बच्चों लिखूंगा सिंपल रिएक्शन। ठीक है, सिंपल रिएक्शन नोट करो पहले फटाफट इसको जरा। ठीक है बेटा, दूसरा मैं लिखूंगा एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, और तीसरा बहुत अच्छे सवाल जो बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर बनते हैं,
जो अच्छे सवाल हम लोग देखने को मिलते हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर देखने को मिलते हैं। ठीक ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन थोड़ा समय एक लाइन जरूर बताऊंगा, उसके बाद डिटेल में लिखवाऊंगा। सिंपल रिएक्शन को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, फिर वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, और इसको स्लो रिएक्शन। तीन पार्ट्स में हमारे सिंपल रिएक्शन चलने वाले हैं, मैं सबको भी बताता हूं लाइन से। तो वेरी फास्ट रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं, है ना। एक आपको और टॉपिक पढ़ना, रेट ऑफ रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हालांकि सवाल तो इस पर नहीं पूछे जाते, कभी भी सवाल नहीं पूछे जाते इनके ऊपर, है ना, फिर भी मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। 5 मिनट का 10 मिनट का टॉपिक है, मैं जरूर डिस्कस करूंगा, मेन डिफरेंस क्या है वो बता दूंगा। ठीक, तो इसको हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं टाइम एवरेज पूछा नहीं जाता फिर भी बताऊंगा, है ना, इंस्टेंटेनियस पूछा नहीं जाता फिर भी बताऊंगा, फिर भी एनीवे। तो पहले मुद्दे पर आ जाओ, सबसे पहले हम सिंपल रिएक्शन की बात करते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो बच्चों एक बात मेरे को बताओ, एक बात बहुत साफ साफ समझो कि अगर मैं वेरी फास्ट रिएक्शन की बात कहता हूं तो वेरी फास्ट रिएक्शन के दो नाम और हैं, एक तो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या हम इसी कहते हैं आयनिक रिएक्शन। तो बच्चों आयनिक का नाम सुनते ही आप समझ गए कि रिएक्शन बहुत फास्ट होने वाली है, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होने वाली है, इस वजह से जो भी हमारे वेरी फास्ट रिएक्शन होंगे उनका कभी भी रेट डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मान लिया रिएक्शन स्टार्ट हुई तुरंत प्रोडक्ट बन गया, हम समझ ही नहीं पाएंगे कब से क्या हो गया। तो ये हमारा जानना बहुत जरूरी है कि एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कितने समय में कन्वर्ट हो रहा है। तो वेरी फास्ट में हमें पलक झपकते प्रोडक्ट बन जाता है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी पूरी केमिकल काइनेटिक्स इस बात को ध्यान रखना कि जहां भी वो वेरी फास्ट लिख दे उस पर सोचना बंद कर देना, उसके ऊपर सोचना बंद कर देना। यानी अगर आपके दिमाग में ये रखे रहोगे कि फास्ट रिएक्शन का क्या करना है, अगर आपने रखा हुआ है तो मान के चलना कि सवाल आप कभी भी करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर उसने वेरी फास्ट ये वर्ड यूज किया तो मान के चलना वो केमिकल काइनेटिक्स के बाहर चला गया, यानी उसको देखना या सोचना बंद कर दो, राइट। कभी कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मान लिया तीन स्टेप में रिएक्शन दे रखा, पहला फास्ट दे दिया, फिर स्लो दे दिया, फिर फास्ट दे दिया, तो आप देखना कहां स्लो है। सेकंड स्टेप में अगर स्लो है तो पहले वाले को मान लेना इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब नेग्लिजिबल। मैं फिर बोल रहा हूं कि जहां भी केमिकल काइनेटिक्स में फास्ट वर्ड यूज किया तो मान के चलना उसे इग्नोर करना है, उसी को ध्यान में रखे आपके प्रॉब्लम्स लगेंगे। अगर फास्ट को चिपकाए रखे ब्रेन के अंदर तो मान के चलना आपका सवाल बिल्कुल गलत डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है। ठीक, तो एक बात तो ये हो गया। वेरी स्लो रिएक्शन, तो वेरी स्लो रिएक्शन तो हम रेट डिसाइड ही कर पाएंगे, भाई धीरे से बना, 1 घंटे आधे घंटे 15 मिनट के बाद प्रोडक्ट बन गया तो हम डिसाइड कर लेंगे भाई रेट कितना है, कितनी देर में कहां से कहां पहुंचा। यानी हम घर से चल रहे हैं, हम घर से स्कूल चल रहे हैं, अगर हम बहुत धीरे धीरे घर से पहुंच रहे हैं तो हम ये जान लेंगे आप किस रेट से आप जा रहे हैं, किस वेलोसिटी से आप स्कूल जा रहे हैं। अगर आप तुरंत पलक झपकते गिर गए घर से, तुरंत स्कूल में की छत पर गिर गए तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगे रेट क्या होगा, तो वेरी फास्ट होगा। स्लो रिएक्शन, तो जो वेरी स्लो रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन है उसमें हम रेट डिसाइड करेंगे। हमेशा ध्यान रखना केमिकल काइनेटिक्स में जहां उसने फास्ट लिख दिया, वेरी फास्ट लिख दिया, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना। अगर आप उसको ब्रेन में चिपकाए रहेंगे तो आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब एक स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन तो आप जान ही गए, अभी सबके बारे में थोड़ा सा लिखवाऊंगा। एक एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन की खास बात क्या होती कि होगी एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि a plus b बराबर ab, H2SiO, H2+I2, एक रिएक्शन में अगर एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे, पूछा गया नीट में सवाल। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, कई स्टेप में रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेप। तो इन दोनों रिएक्शन को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए मॉलिकुलरिटी का सहारा लेते हैं। अभी मैं वो भी बताऊंगा कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे और बढ़िया मेथड क्या होगा। चलिए तो लाइन से शुरू करें, पहले हेडिंग डालें सिंपल रिएक्शन। बच्चों लिखो सिंपल रिएक्शन, हेडिंग डालो सिंपल रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन में ए लिखो, सिंपल रिएक्शन में ए पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट हो जाएगा वेरी
फास्ट रिएक्शन, राइट, वेरी फास्ट रिएक्शन, शॉर्टकट में VFR में बोलने वाला हूं। लिखो, दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, है ना, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और आयनिक रिएक्शन, और आयनिक रिएक्शन, फुल स्टॉप। इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, सो इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, सो रेट्स, रेट्स नॉट डिटरमाइन, रेट नॉट डिटरमाइन इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट, इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट। तो आप कहोगे साहब कुछ एग्जांपल भी मेरे को बताओ, बिल्कुल बेटा, बेटा एसिड और बेस, एसिड और बेस के मिलने से आप जानते हो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है ना, तो इसी का नाम है न्यूट्रलाइजेशन, आप फैमिलियर हो न्यूट्रलाइजेशन, है ना। तो एसिड मान लिया हमने, क्या ले लिया, सपोज दैट HCl ले लिया, और बेस हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया बच्चों, राइट, तो हमारा क्या बन गया, NaCl सॉल्ट बन गया और पानी बन गया, तो रिएक्शन क्या होती है, वेरी फास्ट होती है। अब फटाफट नोट कर बेटा, तो इसको ठीक, और ज्यादा डिटेल में जाने की मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद वेरी स्लो रिएक्शन, राइट, तो वेरी स्लो रिएक्शन शॉर्टकट में लिखूंगा VSR, है ना। तो इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं करने, केमिकल काइनेटिक्स में काफी बड़े बड़े वर्ड्स हैं, तो शॉर्टकट में आप लिखेंगे, ठीक है। तो वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में कई साल लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। एक बढ़िया से एग्जांपल में बताता हूं कि अगर छत के ऊपर, है ना, छत के ऊपर आपने एक आयरन की रॉड रख दिया, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, छत के ऊपर एक आयरन की रॉड में रख देता हूं, रॉड को रखने के बाद 10 दिन 15 दिन या एक महीने बाद आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा रेड कलर का पाउडर उस रॉड पर लग जाता है, जिसको हम रोस्टिंग कहेंगे, क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे, RUSTING, रस्टिंग, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला जो होता है Fe2O3, ठीक है, डॉट XH2O होता है, तो अभी कोई जरूरत नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आपको खूब अच्छे से बताना है, अभी जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसी रिएक्शन जो बहुत स्लो होती है, उसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। और अगर रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग, इस ऐसी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात जरूर लिखो बेटा, लिखो सच रिएक्शन कंप्लीटेड, है ना, सच रिएक्शन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इन मैक्सिमम ऑफ टाइम, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड सच रिएक्शन आर मिजरेबल, यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मिजरेबल इन नेचर, ठीक है। थॉट आ जाओ, स्लो रिएक्शन, बच्चों स्लो रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है, है ना। सारी रिएक्शन पूरी की पूरी केमिकल काइनेटिक्स में जहां स्लो है वहीं पर डिपेंड हो जाएगी, है ना। तो स्लो रिएक्शन को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और शॉर्टकट में बोलते हैं RDS,
पूरी केमिकल काइनेटिक्स में इस लाइन का बहुत बड़ा रोल है। जब भी आपके सवाल बनेंगे तो इस स्टेप की तरफ जरूर बात करेंगे। तो इसका मतलब जो हमें केमिकल काइनेटिक्स में मेन स्टडी करना है वो स्लो रिएक्शन की बात करनी है। बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, पता लगा 10-15 साल लग गए, 20 साल लग गए, कई साल लग गए, हजारों साल लग गए, तो ऐसी रिएक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, है ना। स्लो रिएक्शन का मतलब होगी थोड़ा सा इससे तो पहले ही हो जाएगी, वेरी स्लो से पहले ही हो जाएगी, है ना। फास्ट में हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें स्लो रिएक्शन की ही ज्यादा जरूरत है, तो इसी को कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। तो कुछ एग्जांपल लिख लें, है ना, लिखो मेन अंडरलाइन कर लेना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ एग्जांपल मैं डिस्कस करूं जैसे, है ना, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, है ना, N2O5। केमिकल काइनेटिक्स में सवाल इन्हीं से भरे पड़े हैं, आप जितने सवाल लगाएंगे इन्हीं पर लगते चले जाएंगे, है ना। ये कैसे रिएक्शन होंगे, स्लो रिएक्शन होंगे, है ना। और इसके बाद इन्वर्जन ऑफ केन सुगर खूब बात करोगे, है ना, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, CN ही होता बेटा जी, केन सुगर, खूब सारे सवाल देखने को मिलते हैं। इन्वर्जन क्या होता है बच्चों जी, बच्चों क्या होता है, C12H22O11, है ना, प्लस वाटर, है ना, एक्सेस मिल जाता है, ये आप जानते हो, सुक्रोज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। और इनके कॉम्बिनेशन से बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक को हम बोलते हैं ग्लूकोज और एक को बोलते हैं फ्रक्टोज, ठीक है। दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, 11th मैंने आपको पढ़ाया भी है, लेकिन दोनों में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की वजह से अलग होता है। तो ये खूब सारे सवाल बोले जाते हैं यहाँ पर, खूब सारे सवाल आपको केमिकल काइनेटिक्स में देखे जाते हैं, और इसी को हम आगे चल करके इसको बोलने वाले हैं सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो इसको हम बोलने वाले हैं, अभी तो इतने से काम चलाओ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते, है ना, नोट करो बेटा फटाफट जरा, तो लिख लिया। और की जरूरत नहीं है, बाकी तो मैं रिएक्शन में जितने भी रिएक्शन है मैं करा ही लूंगा। अब नंबर दो लिखो, एलिमेंट्री रिएक्शन बी, भाई एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, है ना, जो एक स्टेप में पूरी हो जाए। लिखो बेटा, रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन वन स्टेप, रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन वन स्टेप, रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन वन स्टेप इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। लिखा बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो मैंने कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया है, गुल्डवर और वागे साहब साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, है ना बेटा। लिखो एलिमेंट्री रिएक्शन में, लिखो सच रिएक्शन कंप्लीटेड इन वन स्टेप, सच रिएक्शन कंप्लीटेड इन वन स्टेप, वन स्टेप में कंप्लीट हो गए, कंप्लीटेड इन वन स्टेप, एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन आर वैलिड फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शन, फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देख नंबर तीन लिख, है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो टिपिकल सवाल जो बनते हैं आपके, केमिकल काइनेटिक्स में जो टिपिकल सवाल जो टफ बन जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स पर बनते हैं, ठीक है। तो लिखवाऊं बेटा, लिख कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीटेड इन मल्टी स्टेप्स एंड ईच स्टेप कंटेन
डिफरेंट मॉलिकुलरिटी। ठीक, तो दूसरे पेन से जरूर लिखें। बेटा मेरी बात सुन, दूसरे पेन से लिखेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ये होता है आपका मॉलिकुलरिटी। क्या होता है? ये होता है मॉलिकुलरिटी, राइट? ठीक, तो अगर मैंने क्वेश्चन ये कह दिया, समझना, अगर मैंने क्वेश्चन ये कह दिया कि साहब 2HI जो है टूट रहा है H2+I2 में, तो ये एक स्टेप में कंप्लीट हो गया, तो इसका नाम दे देंगे हम एलिमेंट्री। क्या नाम देंगे? एलिमेंट्री, राइट? अगर मैंने मान लिया जाए कि A2+B2 इनके कॉम्बिनेशन से 2AB का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो इसको भी नाम देंगे एलिमेंट्री, राइट? अब रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है? दो है, यहां पर दो है, यहां पर एक एक है ना? इसके आगे जो लिखा जाता है वो कंसीडर होगा, इसके आगे वन है, इसके आगे वन है, यहां भी टू लिखा हुआ है, तो दो है, तो इसका मतलब मॉलिकुलरिटी इस केस में कितनी हो गई? एम बराबर मॉलिकुलरिटी दो हो गई। इस केस में क्या हो गई? मॉलिकुलरिटी क्या हो गई? दो हो गई। यानी कि एक वन स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, और इनकी मॉलिकुलरिटी दो हो गई। आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी आराम से इनको मैं डिस्टिंग्विश करने का मेथड बता रहा हूं। एक और मैं केस देख रहा हूं कि अगर मैंने ये कह रखा है कि भाई डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, अगर मैं H2O2 को तोड़ रहा हूं, तो ये जो रिएक्शन होती है बच्चों 2H2O2 और जो टूटने के बाद बनाता है 2H2O+O2, ये बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है H2O2 का, जो डीकंपोजिशन है, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या होता है? ये होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब कि ये एक स्टेप में कभी कंप्लीट नहीं होता है। इस रिएक्शन को कंप्लीट कैसे करते हैं, जरा इसको देखें। जरा ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, पहली बार दिमाग में रख ले। कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल है, वही पूछे जाते हैं, वही मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, दिखाऊंगा। देख, यहां दो मोल है, पहला मोल लिया H2O2, तोड़ा तो ये बना H2O प्लस क्या बना? हाफ एक O बना कि नहीं बना? एक बना कि नहीं बना? पक्का बना। फिर दूसरा मोल ले लिया H2O2, फिर दूसरा मोल ये H2O बना प्लस O बना, दिख रहा है। फिर क्या लिया? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये बना O2। इस तरीके से अगर हम इस केस में मॉलिकुलरिटी की बात करें, यहां एक मोल है तो मॉलिकुलरिटी बेटा जी हो गया आपका 1। इस केस में देख, एक ही मोल है तो मॉलिकुलरिटी कितना हो गया आपका 1। इस केस में दो है तो मॉलिकुलरिटी बच्चों हो गया आपका 2। तो आप देख रहे हो कि हर स्टेप की मॉलिकुलरिटी अलग अलग है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान समझना, एरो के इधर के कैंसिल, एरो के इधर के कैंसिल। अब इनको देखो तो आपको देखने को क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है 2H2O+O2। क्या दिख रहा है? क्या मैं ये ऊपर वाली रिएक्शन लिख रहा हूं? तो आपको समझ में आ गया होगा कि H2O2 का डीकम्पोजिशन कैसे होता, फटाफट तोड़ देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वैसा हम जनरली कह सकते हैं, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स मैंने स्टार्ट में लिखवाया है कि रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसको नोट करो, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई कि भाई केमिकल काइनेटिक्स क्या बोला है। नोट कर बेटा। तो मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खूब डिटेल में आएंगे, है ना? ये तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है, थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपके दिमाग में ये समझ में आ जाए कि एलिमेंट्री रिएक्शन की क्या बला है और वो कॉम्प्लेक्स से कैसे अंतर रखता है। सिर्फ मेरे को इतना समझाना था कि एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको मेथड बताया, बाकी सबको डिटेल में आपको आना है ना। तो आज पहला लेक्चर है,
सब कुछ पहले दिन खत्म नहीं होता, मैंने पहले बता दिया 25 लेक्चर्स हैं, 25 लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स भी है एंड थ्योरी भी है। चल तो अब जो है नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। शॉर्टकट में क्या बोला मैंने स्टार्ट में, आर ओ आर, तो लिखो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, बच्चों पहले लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, लिखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो है ये तो हम स्टेटमेंट खूब पढ़ते हैं, बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इन स्टेटमेंट से मेरे सवाल नहीं लगने वाले हैं, है ना। समस्या ये है कि इन स्टेटमेंट से मेरे सवाल नहीं लगने वाले, सवाल लगने के लिए थोड़ा सा मेरा तरीका देखो। इधर देख, ए मान लिया जाए बी में कन्वर्ट हो रहा है, सवाल को समझ, है ना, सवाल को समझ, ठीक। अब ये क्या है, इसको हम मान, इसको कहेंगे रिएक्टेंट, राइट, और इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, राइट। इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी, है ना, जब रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तभी तो कंसंट्रेशन इसका बनेगा प्रोडक्ट, ये डिक्रीज करेगा तभी तो ये बनेगा, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। और एक समय ऐसा आ जाएगा इनकी कंसंट्रेशन इनकी कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी, राइट, और रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, अब जो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, है ना, अब देख रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखवाया, चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, राइट, समझना ध्यान से, डी वर्ड जहां भी हम लिखते हैं, एक बात ध्यान समझना, डी जहां लिखेंगे वो स्मॉल चेंज होगा, स्मॉल चेंज होगा इसमें कंसंट्रेशन में और टाइम में, लेकिन अगर ट्राइंगल लगा देंगे तो ये लार्ज चेंज होगा, ये अंतर होगा, लार्ज चेंज हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में हमें स्मॉल चेंज देखना है, और यहां लिख देते हैं बुक में प्लस माइनस एनसीईआरटी भी लिखता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, बेटा कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज कर रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। और रेट लिखने का मेथड देख, ये ए है तो मैंने लिखा डी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और एक टाइम आएगा दोनों कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इसको लिखेंगे डी बी, डी है ना, डी बी अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, डी टी, समझना ध्यान से, ये क्या है स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन का इंडिकेशन होगा, ये कंसंट्रेशन का इंडिकेशन होगा, डी का मतलब मैंने लिखवा दिया, देख डी का मतलब स्मॉल चेंजेस, राइट, स्मॉल चेंज। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही, तो कम हो रही तो क्या लगा देगा आगे, माइनस, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही, बढ़ रही, क्या लगा देगा बेटा, प्लस, क्लियर, नोट कर। लिखा बेटा,
अरे यार क्या दिया, चलो लिख लेना। लिखा बच्चों, तो मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, तो मैंने मिटा दिया है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। इसके लिए मैंने क्या लिखवाया भाई, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर बराबर माइनस डी ए अपॉन, क्या लिखवाया, डी टी बराबर डी बी अपॉन डी टी, इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस, राइट। अब आ जाओ एग्जाम में, यानी कि हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करते हैं, राइट। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उस पर ध्यान दे, लिखा एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस रिवर्सिबल साइन टू एन एच थ्री गैस, ठीक। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सवाल अब तक पूछे गए हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसने अभी तक नहीं पूछा है 30-40 साल में, है ना, वो पूछेगा, पक्का आप गलत करने वाले हो, मैं श्योर हूं, मैं भी बताता हूं। अब देख समझ, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो सबसे पहले क्या लिखेगा, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर निकालना है, तो क्या लिखेगा, डी एन टू, राइट, नीचे डी टी, सब ऐसे लिख ले, जो आगे रहते हैं वो उसके वन अपॉन फैक्टर में, इसको स्टोचियोमेट्रिक फैक्टर बोलते हैं इसको, या स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, इनको अपॉन में लिखते हैं, तो आगे क्या है, वन बाई थ्री, राइट। इसके बाद डी एच टू अपॉन जो होता है डी टी, इसको देख, ये लिखेगा वन बाई टू, है ना, डी, और ये लिखेगा एन एस थ्री अपॉन, क्या लिखेगा, डी टी, पक्का। अब देख ये दोनों रिएक्टेंट हैं तो क्या क्या बनेगा, माइनस, ये प्रोडक्ट है क्या बनेगा, प्लस, इक्विलिब्रियम पर ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर। एक और देख, एक और देख, अगर मैंने क्वेश्चन ये कह रखा है कि भाई एच टू गैस हाँ प्लस आई टू गैस और इनके बाद मेरे को मिल रहा है टू एच आई गैस, फिर देख कैसे लिखूंगा मैं, आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन। अब देख इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख डी एच टू, पक्का, अपॉन क्या लिखेगा, डी टी, बराबर लिख दे, फिर क्या लिखेगा, डी आई टू, है ना, अपॉन क्या लिखेगा, डी टी, कुछ मत लिख, बराबर लिख, छोड़ दे, फिर क्या लिखा, देख फैक्टर है, फैक्टर किसमें आ जाएगा, अपॉन वन अपॉन टू में, ये कितना हो जाएगा, डी एच आई, राइट, ठीक है, एच आई अपॉन क्या लिखेगा, डी टी। अब देख ये और ये रिएक्टेंट है तो माइनस, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, ये आपका प्रोडक्ट है तो क्या लगा दिया, प्लस, इसे क्लियर समझ में आ रहा। अच्छा भाई एक और देख, तो मैं बताता हूं बात, अब जो है कि अगर मैंने मान लिया इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर रहा हूं 2NH3 गैस, है ना, क्योंकि यही बार बार पूछे जाते हैं आप लोगों से, यही पूछे भी जा रहे हैं, है ना, तो ये हो गया 2NH3 गैस, अब ये रिवर्सिबल साइन लगा दिया, फिर मैंने N2 गैस कह दिया और साथ में 3H2 गैस कह दिया, राइट, ठीक। अब मेरे को निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए देख जो आगे होगा फैक्टर में आ जाएगा वन अपॉन टू, अब ये क्या लिखेगा, डी एन एस थ्री हाँ अपॉन क्या लिखेगा बेटा, डी टी, इधर आ जा, बराबर लिख देना क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी, डी एन टू अपॉन क्या लिखेगा, डी टी, इधर आ जा, बराबर लिख देना, बराबर लिखना मत भूलना, वन बाई थ्री, है ना, डी और ये एच टू अपॉन बेटा जी हो जाएगा डी टी। अच्छा एक बात सुन, ये रिएक्टेंट है तो केवल ये माइनस में आएगा, ये दोनों प्रोडक्ट में तो ये प्लस में आ जाएगा, समझ में आ रहा समझ में आ रहा। एक और बताता हूं कि अगर मैंने क्वेश्चन में कह रखा है
हाफ ए टू ये गैस प्लस हाफ बी टू ये गैस और इनके कॉम्बिनेशन से मुझको ए बी मिल रहा है गैस, राइट। अब देख रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है बच्चों, वन अपॉन कॉफिशियंट फैक्टर होता है, वन अपॉन कॉफिशियंट फैक्टर होता है यानी वन अपॉन नंबर्स होता है, शॉर्टकट में बता रहा हूं, वन अपॉन नंबर्स होता है। इस केस में वन अपॉन नंबर लिखेगा तो वन अपॉन नंबर टू, ये दो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वन अपॉन वन बाई टू, समझना मैं क्या लिख रहा हूं, वन अपॉन वन बाई टू तो टू आ जाएगा ऊपर, आ जाएगा पक्का। अब देख तो इसका मतलब ये क्या लिखूंगा, टू है ना, टू लिखूंगा, फिर ये क्या हो जाएगा डी ए टू पक्का, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा डी टी, फिर लिख बराबर, फिर लिखा बराबर, फिर इसमें भी वही हो जाएगा टू, इसके बाद बेटा डी ये हो जाएगा बी टू, हाँ अपॉन क्या हो जाएगा डी टी, फिर आगे क्या लिखेगा, फिर बराबर लिख देना, फिर क्या लिखा डी ए बी अपॉन क्या लिखा डी टी। अब देख ये रिएक्टेंट माइनस, ये रिएक्टेंट माइनस और ये प्रोडक्ट ये प्लस, तो ये जो सफर हमने तय किया है ये आज तक का यही एक सफर हम लोगों ने 30-40 साल से यही देखते हुए आ रहे हैं, ठीक। इसको पहले नोट कर फिर हम बात करता हूं। लिखा बेटा, अब देख मैं एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा है ना। अब समझना ध्यान से, अगर मैंने कह रखा है, ध्यान समझ, पहले मैंने कह रखा N2 गैस है ना, और इसके बाद 3/2 H2 गैस है ना, और इसके बाद ले रखा है NH3 गैस, पक्का समझना ध्यान से। और आप मुझे पता है गड़बड़ी करने वाले हो, एक बार जरा खुद करो, खुद कर, किया। अब देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है, आप क्या निकाल रहे हो मैं बताता हूं। देख बेटा आपने निकाला डी एन टू, ये निकाला अपॉन क्या लिखा डी टी, सही है पक्का सही है। इसके बाद आप बराबर लिखने वाले माइनस 2/3 ये लिखने वाले हो डी एच टू अपॉन डी टी, ये लिखने वाले हो है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हो तो मेरा सही है, बिल्कुल सही है ठीक। फिर बराबर लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा पॉजिटिव में डी एन एस थ्री अपॉन डी टी, ठीक कल नोट कर, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, बराबर पॉजिटिव में डी एन एस थ्री अपॉन डी टी, राइट सही है, सही है आप लोगों का, क्या यही आप लोगों ने लिखा है, बताओ बेटा ये लिखा है ना, आप लोगों ने यही लिखा है, मुझे पता है आप लोगों ने यही लिखा है क्योंकि अभी तक हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं और टीचर से ही पढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है आप लोगों ने यही लिखा हुआ है, ये गलत है, ये गलत है, क्यों, केमिकल काइनेटिक्स यानी रेट ऑफ रिएक्शन केवल बैलेंस रिएक्शन के लिए अप्लाई होती है। अगर एग्जामिनर ने इस इक्वेशन को दिया हुआ है, अगर एग्जामिनर ने इस इक्वेशन को दिया हुआ है तो पहले आप इसको बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ये इसका नहीं होगा है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें करना है बैलेंस रिएक्शन, राइट, पहले हमें निकालना करना है बैलेंस रिएक्शन। तो बैलेंस रिएक्शन जो इसका बनता है बच्चों वो क्या बनता है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, हाँ फिर आपका जो बनता है 2NH3 गैस। अब एक बात बताओ,
क्या ये आंसर इससे आर ओ आर इसके जैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और वो एग्जामिनर चालाक होगा, पहला ऑप्शन ऐसे रखेगा और फटाफट आप करके आने वाले हो और आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है, कॉपी के ऊपर जरूर लिखना है, लिखो इन केमिकल काइनेटिक्स, इन केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन अप्लाइड फॉर ओनली बैलेंस रिएक्शन। अब देखो बैलेंस रिएक्शन देखो तो आंसर ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहां पर ये आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्या ये आंसर आ रहा था? बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने रटे रटाए क्वेश्चन अभी तक हम लोग करते हुए चले आ रहे हैं और फ्यूचर में वो ऐसे सवाल देगा और आप लोग सवाल को कचरा करके चले आने वाले हो। तो लिखो लिखो फटाफट, लिख लिया फटाफट लिखो और उसका आंसर बनाओ उसी के नीचे। लिखा बच्चों? अब लिखो रेट लॉ। लिखो रेट लॉ, इसको हमने जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको खूब बताया है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, ठीक है ना। तो अब देखो मान लिया जाए कि n मोल ऑफ A और m मोल ऑफ B आपस में रिएक्ट करके किसी प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो हमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन, याद आ रहा, और बी की पावर क्या हो जाएगा, एम, ठीक। नोट करो पहले फटाफट, कहां पढ़ा था आपने, केमिकल काइनेटिक्स में लिखा। रेट लॉ क्या कहता है अभी, है ना, रेट लॉ जो आप पढ़ रहे हो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है भाई कि इसी क्वेश्चन के लिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स मान ले एक्स मोल और बी की पावर आप वाई मोल मान ले, इक्वेशन नंबर इसको वन लिख दें और इसको इक्वेशन नंबर टू लिख दें। अब अगर इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे तो आर बराबर के का मतलब कांस्टेंट, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अब एक एक चीज मैं क्लियर कर दूं, R बराबर क्या है, R बराबर है आपका रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। K बराबर क्या है, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, है ना, स्टार बना लेना क्योंकि बहुत पूछा जाता है रेट कांस्टेंट, कभी कभी इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसी को कभी कभी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस चैप्टर में पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ए। वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू बी। नोट करो फटाफट, लिखा, दूसरे पेन से लिखो, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट्स या नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कॉमा टेम्परेचर,
कॉमा कंसंट्रेशन, सॉरी टेम्परेचर कॉमा कैटलिस्ट, बट नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ किसका रिएक्टेंट्स, राइट। इस पूरे स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लो, दूसरे पेन से अंडरलाइन कर लो, खूब सवाल पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट एंड डालो बच्चों, नेक्स्ट एंड डालो फैक्टर अफेक्टिंग। अच्छा एक बात और रह गया, थोड़ा देखो ध्यान से, एक बात और सवाल याद आ गया मेरे को। अगर मैं मान लूं इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर यूनिटी हो जाए, एक हो जाए, ठीक है, अगर ये यानी कि आर आर बराबर के और ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई हो जाए, ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर होगा तो आर बराबर किसके होगा, के, यानी कि आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर किसके हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के। ये सवाल खूब पूछा गया है, ये कब होगा, जब कंसंट्रेशन आपकी यूनिटी होगी, जब कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी, यूनिटी होगी। नोट कर बेटा, अब हेडिंग डाल फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।